दूसरा क्या है? वन क्यूब, दूसरा है वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस एन क्यूब, ठीक, आई इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू और उस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए दूसरा प्रश्न है, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक, एन क्यूब, माने यह इतना जोड़ा जा रहा है तो यह आ रहा है, यही है। हमको सिद्ध कर देना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है। तो सबसे पहले किसके लिए सिद्ध करेंगे, एन इक्वल टू वन के लिए। तो अब मन करे तो लिख लीजिए कि माना कथन पीएन है, कोई जरूरी नहीं है मन करे लिखो मन करे मत लिखो, मेन चीज पर हम लोग चलते हैं एन इक्वल टू वन के लिए लिखेंगे या लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। माना कथन क्या है, पीएन, माना कथन पीएन है, तो एन इक्वल टू वन के लिए, तो एन इक्वल टू वन के लिए हम पी वन निकाल रहे हैं, ध्यान देना। तो एन इक्वल टू वन का मतलब क्या है, कितने पद का योगफल लेंगे, एक पद का योगफल लेंगे, तो एक पद का योगफल तो वही हुआ, वन ही हुआ, वही बात है, पहला पद का योगफल वही होगा, पहले पद होगा, और उसके बाद उधर एन के बदले में वन रखेंगे, तो देखिएगा वन इंटू वन प्लस वन, एन के बदले में वन रख रहे हैं, बाई टू, और फिर पूरे का स्क्वायर, तो वन का क्यूब वन ही ना होगा, आई इक्वल टू देखिएगा वन प्लस वन टू, टू से टू कट जाएगा, केवल वन बचेगा, वन का स्क्वायर होगा, वन का स्क्वायर वन, मतलब दिया गया जो कथन है वो पी एन इक्वल, दिया गया कथन जो पी एन है वो एन इक्वल टू वन के लिए क्या है, सत्य है। तो लिखेंगे अतः दिया गया कथन पी एन एन इक्वल टू वन के लिए क्या है, सत्य है, एन इक्वल टू वन के लिए सत्य है, प्रूफ भी हो गया कि सत्य है। अब किसके लिए सत्य माना जाए, एन इक्वल टू के के लिए, तो लिखेंगे माना, माना कथन एन इक्वल टू के लिए सत्य है, एन इक्वल टू के लिए सत्य है। क्या कुछ एक्स्ट्रा हम लोग स्टेप फॉलो कर रहे हैं, जैसे पिछला था वैसे ये भी चल रहा है, के लिए सत्य है, तो रखिए एन इक्वल टू कितना रख देना है, के, लिखिए वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस फोर क्यूब, ऐसे ही ना आगे चलेगा, अगला पद फोर क्यूब मिलेगा, एन के बदले में कितना के, तो प्लस के क्यूब इक्वल टू एन के बदले में के रखिए, तो के इंटू के प्लस वन बाई टू आ पूरे का स्क्वायर, समीकरण नंबर वन एकदम वैसे चल रहा है ना। अब एन इक्वल टू कितना रखेंगे, एन इक्वल टू के प्लस वन, तो के प्लस वन मतलब इससे एक स्टेप और कहाँ रख देना है, आगे, इससे एक स्टेप और कहाँ रखना है, आगे। तो लिखेंगे पुनः एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए। अच्छा, इसको हम मान लिए कि सत्य है, अगर ये एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए सत्य हो जाता है तो भी क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि ये तभी सत्य होगा जब यह सत्य होगा, बस समझ रहे हैं। तो एक कोई प्रूफ कर लेते हैं, तो एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए रखिए, एक स्टेप कहाँ बढ़ा देना है और आगे बढ़ा देना है, तो वन क्यूब प्लस टू क्यूब, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक, के क्यूब, तो ठीक है, इससे एक स्टेप और आगे चल देना है, तो k प्लस वन का क्यूब हो जाएगा, समझा रहा है, k प्लस वन का क्यूब, और आगे जहाँ k है तहाँ क्या रख देना है, k प्लस वन रखना है। तो देखिए, अरे भाई यहाँ तो एक स्टेप चल देना आगे, तो आगे भी तो k के बदले में k प्लस वन रखना है। अब ध्यान देना, जहाँ k है वहाँ k प्लस वन, तो ये खुद ही k प्लस वन हो जाएगा, नहीं जी, k तो k प्लस वन हो गया। अच्छा, के बदले में के प्लस वन रखेंगे तो उसके बाद भी वन, एक और वन है, तो के प्लस टू हो जाएगा,
समझ आ रहा है, ये कितना हो जाएगा के प्लस टू और तब पूरा का बटा दो, ये बाहर नहीं जा रहा जी स्क्वायर, कुछ समझ में आया। के बदले में के प्लस वन, के बदले में के प्लस वन, और फिर के बदले में के प्लस वन, और एक और प्लस वन है तो के प्लस टू हो जाएगा। हाँ क्या पूछ रहा है, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। हम केवल के बदले में क्या लिख रहे हैं, के प्लस वन, तो के जो है के प्लस वन बन गया, आ इस के को भी तो के प्लस वन लिखना है, तो इस के बदले में के प्लस वन, आ प्लस वन यह वाला है, तो वन वन कितना हो जाएगा टू, थोड़ा ध्यान दो। अच्छा अब तक सभी पहले सवाल जैसा ही सब चल रहा है, समझा रहा है। अच्छा कहाँ से कहाँ तक मान उठा कर रखेंगे, समीकरण एक से वन क्यूब से लेकर के क्यूब तक इतना रख देंगे, क्योंकि यह बराबर यही ना है, तो समीकरण एक से कहाँ है मैं, चलो ठीक है समीकरण एक से ध्यान दो बढ़िया से, तो यहाँ तक लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं के इंटू के प्लस वन बाई टू आ पूरा का स्क्वायर, आ उसके बाद से है के प्लस वन का होल क्यूब है, अब बराबर इधर देखिए के प्लस वन का स्क्वायर, देख लीजिए के प्लस वन का स्क्वायर आ के प्लस टू का भी स्क्वायर आ पूरा का बटा फोर, ठीक स्क्वायर कर दिए कहाँ पर, कहाँ कहाँ कहाँ, अच्छा अरे तो जोड़ना है, नहीं कट सकता है, जोड़ है तो नहीं कटेगा। अब इसको हल करते हैं आगे, इसमें देखिएगा इसको भी स्क्वायर कर दे, अगर हम के स्क्वायर के प्लस वन का स्क्वायर और नीचे बटा फोर नहीं होगा, और तब प्लस के प्लस वन का होल क्यूब और तब आगे के प्लस वन का स्क्वायर के प्लस टू का स्क्वायर बटा फोर, अभी मत करते हैं फोर से फोर काट दें, ध्यान देना जोड़ने वाला है, काटना नहीं अभी, तो इतना लिखिए ना तब आगे बनाते हैं। सभी सभी सवाल एक ही जैसा है, n इक्वल टू वन, फिर n इक्वल टू के लिए सत्य मान लेना है और तब n इक्वल टू के प्लस वन, तो जो इस समीकरण एक बनेगा ना इसी में एक स्टेप और कहाँ बढ़ा देना है, आगे बढ़ा देना है, अब बाकी इसमें k के बदले में k प्लस वन रख देना है। देखिए आगे देखिए, हम लोग यहाँ तक ले लिए थे और यहाँ से इसको और हल करेंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, हम लोग का बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटा में क्या है, वन वन है ना, तो वन फोर कैल्शियम तो फोर हो जाएगा, नहीं तो इसे तिरेक गुणा करके जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है, हम लोग किया है ना इस तरह का बहुत सारा, तो के स्क्वायर देखिए के स्क्वायर इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर आइए तिरेक गुणा कर दीजिए प्लस फोर इंटू के प्लस वन का होल क्यूब, अब लिख दीजिए पूरा का बटा चार, ऐसा किए हैं बहुत बार लेकिन हम लोग छोटा छोटा अंक में किए हैं, ये थोड़ा सा अक्षर में करना पड़ रहा है। इक्वल टू क्या है आगे, के प्लस वन का होल स्क्वायर के प्लस टू का होल स्क्वायर बाई फोर, समझे फोर से फोर कैंसिल कर दिया जाए, हमको बराबर ना सिद्ध करना है, लास्ट में बराबर सिद्ध कर लेंगे। अब इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है, के प्लस वन का होल स्क्वायर आ के प्लस वन का होल क्यूब, तो दो बार तो बाहर निकाल सकते हैं आराम से ना, यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर कौ बार है, तो के प्लस वन का होल स्क्वायर बाहर कर दीजिए, अब देखिए अंदर क्या बच रहा है, केवल बचेगा के स्क्वायर, समझे यही तो पूरा निकल गया, आ प्लस फोर आ के प्लस वन बस बचेगा के प्लस वन, आ इधर के प्लस वन का होल स्क्वायर और के प्लस टू का होल स्क्वायर, देखिएगा के प्लस वन का होल स्क्वायर काट भी सकते हैं तो रहने दीजिए, इसको इसको हल कर लेते हैं। देखिए तो के स्क्वायर ठीक, आ यहाँ से प्लस फोर के होगा ना, प्लस फोर के
यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 × k × 2 2ab बना रहे हैं, 4k ऐसे ही गुणा कर लो 4k ठीक है। आप प्लस 4 कने तो 2 के स्क्वायर तो कर सकते हैं आराम से, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर और k प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर है देखिएगा, k प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं है, कर लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक, आप प्लस 2ab दो दूना 4 4 के हो जाएगा, तो सीधे तो हो गया दोनों तरफ, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर और k प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मान लो 4 नहीं कटाए रहते, 4 अगर नहीं कटाए रहते तो क्या दिक्कत रहता, 4 अगर नहीं कटाए रहते तो कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ भी बटा क्या आता 4 आता, यहाँ भी बटा क्या आता 4 आता, यहाँ भी बटा क्या होता बटा 4 होता, यहाँ भी बटा क्या होता 4, इसका बटा 4 होता, ये बटा 4 होता, क्या दिक्कत है, तभी तो बराबर है, तो मन करे तो कटा दीजिए, मन करे तो छोड़ दीजिए, कुछ समझ आ रहा है, अभी ना कि सब कटा दो, 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा पूरा, तभी तो 1 बराबर 1 हो जाएगा, तभी तो बराबर आया, तुमको बराबर ना सिद्ध करना है। तो अब तुम लोग ऊपर है, मन करता है 4 कटाओ 4 छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, अरे कुछ नहीं, तभी तो बराबर हो रहा है, हमको बराबर से ना मतलब है, तो सब मत कटा देना, यो ध्यान रहे, कटा दिए हो तभी तो बराबर ही आएगा, हाँ ठीक है, ये दोनों बराबर आ गया ना। अब हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया कथन पी एन यन के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, तो दोनों सवाल एक ही तरीके से बना।